चैनल तो अभी हम देखने वाले हैं आशीष चांचलानी की न्यू वीडियो जो आ चुकी है। एक्चुअली गाइज वो है ना कब से कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल रहा है कि यू नो वन मंथ में सेकेंड वीडियो आ रही है, हेडफोन्स डाल के रेडी रहना। तो आई वॉज लाइक के मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब क्या किया है इसके। आपको वीडियोस पता होगी बहुत ही अच्छी होती है एंड बहुत ही ज़्यादा फनी होती है। और एक बात मुझे वो पसंद आती है कि ऑलमोस्ट जो भी कैरेक्टर्स होता है वो आशीष खुद ही प्ले करता है। लाइक द लास्ट वीडियो में उसने जैसे द मम्मी पे किया था, मम्मी भी वही बनाता, डैडी भी वही बनाता। तो आई लव दैट थिंग अबाउट हिम। और हाँ गाइस ये मेरा बहुत ही फर्स्ट रिएक्शन है, लाइक यू नो आशीष का मैंने अभी तक कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने सोचा था द मम्मी टू पर मैं बनाऊँ, बट द थिंग इज मैं ऑलरेडी वीडियो देख चुकी थी, तो मैं अगर वापस देखती तो यू नो जो नेचुरल रिएक्शंस होते हैं वो उसको देख के नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बट एनीवेज लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट ऑन इनटू द वीडियो। सो गाइस वीडियो का टाइटल है ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट इट। यह वीडियो काल्पनिक है, इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करें और उन्हें प्यार करें। थैंक यू। इन बच्चों ने इतना परेशान किया, अपनी चाय में जहर मिला दूंगा और फिर इन बच्चों को पिला दूंगा, साले मर जाएंगे, मैं जेल चले जाऊंगा, इन सबसे छुटकारा मिलेगा। अरे बस कर, हाथ में आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ 3 इंच घुसाया, बाकी का 1 सेंटीमीटर चले गया सर, घुस गया। अबे ओ राधे के आधे, मैं और सहन नहीं करने वाला हूँ, समझा? पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी, दर्द आपको क्यों हो रहा है? तो, अबे आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। चलो ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। सेट अप। स्टूडेंट मैं हूँ कि तू? देखो सर ये डाउट आप अभी क्लियर कर दो, आपके मम्मी पापा के सामने ना फिर क्या इंट्रोड्यूस करने में इजी होगा कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। तेरा बाप किधर है, लेट क्यों हो गया है वो? वो पापा जूते पहन रहे। जूते पहन रहे ऑनलाइन मीटिंग के लिए? हाँ लेट हो गए, इसलिए रनिंग शूज पहन के भाग के आ रहे। यार ये मीटिंग कब खत्म होगी, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। ठीक है तो मैं जाता हूँ। चुप बैठ उधर। हाँ तो बैठ ही जाओ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ओह नो सर, सर मैं इसको चिल्ला रहा था आपको नहीं, आपकी मनुज वाला। आप बैठिए सर, प्लीज बैठिए। ओ सरक, दो लोग की सीट पे अकेला बैठेगा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आपकी महान औलाद की करतूतों की वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन, शायद आखिरी भी हो, इतना महान है आपका बच्चा। शाबाश शाबाश। अरे शाबाशी क्या दे रहे हैं आप, पीठ पे नहीं गाल पे शाबाशी दो। शाबाश। कितना बोला है आदमी, पता नहीं संत ने राक्षस को कहां से पैदा कर दिया। सर मैं आपको क्या बताऊं, आपका बेटा क्या करता है, ये और इसका फ्रेंड रोहित प्रेजेंट सर, और इसका दूसरा दोस्त अनमोल प्रेजेंट सर। देखा आपने, नाम लेता हूं नहीं कि पहले प्रेजेंट बोलता है। अबे ये पेरेंट टीचर मीटिंग है, इसमें तो प्रॉक्सी मत मार। आधा टाइम तो ये प्रॉक्सी मारते और गलती से कभी हमारे लेक्चर में आ भी गए तो आपको पता है क्या करते। अच्छा सुनो, अभी अटेंडेंस ले रहा हूं और म्यूट करके प्रेजेंट मत बोलना नालायको। रितेश प्रेजेंट सर। पारस प्रेजेंट सर। ग्रिशम प्रेजेंट सर। लौड़ा लसन पांक। लौड़ा लसन ये भी कोई नाम है? अरे सर आपने उस दिन चश्मा नहीं पहना था, लगता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं, वो लौड़ा लसन नहीं कड़वा जशन था सर। कड़वा जशन ये कैसा नाम है, अब बढ़वा तो रख नहीं सकते। चुप बदतमीज। सर बदतमीजी ना हो इसलिए तो कड़वा नाम रखा। देख रहे हो ये कैसे बात करते हैं। सर की जबान ना बहुत कड़वी है। चुप एकदम चुप, मुझे गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा मुंह पे कोई देते गाली ऐसे? सॉरी पापा, मन में थे। ओके पापा। ए और तो सुनिए, और उस दिन जब अटेंडेंस हो गया उसके बाद तो इनकी अलग ही नौटंकी चल रही थी। तुम लोग सब के सब एक ही असाइनमेंट भेजते हो, जब भी डाउनलोड करने रखता हूं रिप्लेस का ऑप्शन आता है, कम से कम असाइनमेंट रीनेम तो कर लो नालायको, इतनी तो मेहनत कर लो जिंदगी में। और उस दिन मैंने जो तुम लोग को एक टॉपिक दिया था, अब ये थानोस कौन है? कौन है ये थानोस? आशीष ये क्या पागलपन है? सर, I don't feel so good, sir. अरे कहाँ गए? पूरा टाइम क्लास में चुटकी बजाते रहता है। अरे ये तो थानोस का भी बाप है, वो चुटकी बजाता था तो आधे लोग गायब होते थे, ये चुटकी बजाता है तो सब मातम करके निकल जाते।
क्यों रे, क्यों बजाता है इतनी चुटकी? क्यों बजाता है इतनी चुटकी? छोटा भी मैं तू। जब बाप ये पांडू तो क्या करेगा गंग? नारामियों के साथ मेरी जबान भी गंदी हो गई है। और सुनो, इसके कारनामे बताता हूं। आपका ये जो महान साइंटिस्ट बेटा जब भी लेक्चर में आता है, कभी इसका वीडियो चालू होता है तो ऑडियो चालू नहीं होता, ऑडियो चालू होता है तो वीडियो चालू नहीं होता, जब दोनों चालू रहते तो इसके सर से खून निकलता है। सर से खून? हाँ, और मैं से पूछता हूँ खून क्यों निकल रहा, तो बोलते सर सामने वाले ने पत्थर फेंक के मारा। मैं पूछता हूँ पत्थर क्यों फेंक के मारा, बोलता मैं लैपटॉप चोरी करके लाना। क्यों रे, लैपटॉप क्यों चोरी करके लाता है तू? सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेरा पढ़ के और बढ़ के फायदा भी क्या? हाँ सर, आपका ये बेटा लेक्चर में काम वाली बाई को मास्क बना के बैठा था और खुद पीछे सोया रहता है। सर पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की नहीं सिर्फ मास्क की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट। अबे ओ मिलीमीटर सेंटीमीटर चौथे इडियट। जैसे वो काम वाली बाई मेरे घर पे लेट आती है और से पूछता हूँ कि लेट क्यों हुई है, तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तू नहीं पढ़ेगा तो भी बढ़ेगा इंडिया। आपको इसका एक और किस्सा सुनाता हूं मैं। नहीं सर प्लीज सर वो बात मत बताओ सर। द फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट सेटिस्फाई योर थर्स्ट एज मच एज द फर्स्ट ग्लास डिड। सर सर कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे पीना भाई, तेरे को जितना पानी पीना है पी, हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अरे शांत हो जा सब, ये क्या पागलपन चल रहा है मेरे क्लास में। अरे ओ आशीष बस करना। सॉरी सर, सॉरी सर। पढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे। ये अरे हंसना बंद करो, कैसे बेशरम लोग हो। आपको पता है ये पूरा दिन लेक्चर में कुत्तिया और चिल्लरों की बातें करते रहते। अरे सर कुत्तिया और चिल्लर नहीं, डॉज कॉइन की बातें कर रहे थे हम। डॉज कॉइन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। सर भाई कौन सी करेंसी आ रही है? नोट चेंज हो रहा है, नया नोट काला। अरे नहीं पापा वो करेंसी की बात नहीं करो, आजकल ना मार्केट में नई करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी। इसका जो भाव है ना ऊपर नीचे होता रहता है, और इसके लिए आपको एक बेस्ट ऐप बता रहा हूँ, कॉइन डीसीएक्स गो। अगर आपको ये क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है ना, कॉइन डीसीएक्स गो पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एथेरियम खरीद या बेच सकते हो। इसमें जो सारे फंड्स है देयर इंश्योर्ड बाय बिटको। और आपको बेस्ट बात बताता हूँ, आप डाउनलोड करो, कूपन कोड लगाओ आशीष 100, आपको 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री देंगे। हाँ बेटा मैंने भी सुना है, बिटकॉइन का दाम और तेरी कॉलेज में इज्जत दोनों काफी गिरी हुई है। आएगा सर ऊपर आएगा, जैसे आपकी और मिनाली मैम की चैट ऊपर आई थी ना वैसे ही। ओह नो। सर मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें, एक तो लेक्चर में आते नहीं है, ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी, साला मेरे बेटे को घूस दे के मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी इन हरामियों ने। तो सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना, काबू में रखो उसको। मैं तो उसको 500 रुपया देने को तैयार था, 5 रुपए की आइसक्रीम में मान गया आपका लड़का। सर थोड़ा खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को, पैसा वैसा दिखाओ अपना, बहुत भूखा बच्चा है आपका। कल को इसको फैमिली पैक देगा क्या, तो पूरी फैमिली को पैक कर देगा आपका लड़का। कैसे भूखे बच्चे पैदा किए? इसलिए कहता हूँ सावधान रहे, सतर्क रहे। सतर्क तो रहना पड़ेगा आपके बच्चों से। अरे ये लोग ऐसे हरामी है, उस दिन मैं लेक्चर दे रहा था, मेरी बीवी ने बीच लेक्चर में चिल्लाया सुनो जी शीला जी आ रही है, इन हरामियों को सुनाई दिया शीला जी आ रही है, सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल कर देगी, सर के घर पे शीला जी आ रही है। शीला जी कौन है? अरे पप्पा इट इज नायग्रा बट विद अ वी, लाइक नायग्रा फॉल्स बट दिस डज नॉट फॉल्स, दिस ओनली टॉल्स, फुल टॉल्स। अरे पप्पा ये लेने के बाद 6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते, ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे फिर चिल करेंगे। अरे इसके बाद मिथुनदा ग्रैंड सल्यूट देते। अरे पप्पा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो ऐसा पंखे की तरह घूमना के। अरे ओ बस कर और कितने एग्जांपल देगा, हो गया समझ गए भाई। पहली बार देखा है बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान आपको देना चाहिए अपने लड़के को, इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ, साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना? अरे क्या अच्छी बात है, इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी ओएलएक्स पे, वो फोटो यूज करके। मैंने गाड़ी नहीं बेची तो वो लोग कितना भड़क गए मालूम है? एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया, एक आदमी स्टीयरिंग लेके आज तक मैंने गोला बना रहे, एक आदमी इंजन लेके भाग गया गन्ने का जूस निकाल रहे। अरे एक आदमी को तो मैंने उस दिन वाइपर से अपनी पीठ खुजाते देखी। ऐसे हरामी लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में, क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अभी ये कौन सा विमान है जिसमें 5 टायर है? अरे स्टेफनी भी तो लेके गए। तो जैक तो पड़ा होगा ना, देना। अरे कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप बताओ। आपके पेरेंट्स किधर हैं?
मुझे लगता है आपके साथ अलग ही पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना, इसके बेटे को 500 खर्ची भी देता, गाड़ियां के रोज साफ करता, नहीं कि नहीं लाइफ टाइम। अच्छी डील है वैसे, बहुत बैड। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो? आपको एक मेन के साथ तो मैं पता नहीं भूल गया, ऑनलाइन एग्जाम का। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे, मुझे सब पता चल जाएगा। तो अपनी कलाकारी यहाँ मत दिखाओ। और ये ऑनलाइन एग्जाम तो नालायको, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थूए अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो, प्लीज। चलो दो एग्जाम। प्रे कर रहे आशीष। सॉरी भाई, सॉरी, गलती से लग गया यार। बॉटल क्यों भाई? ए मारा, ओए ओए लगे क्यों है? कौन मारा यार? अरे तेरे को एक अरे साथ में बैठे सब लोग, सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे हरामी बच्चे हो? पापा अभी साथ में पड़ेगा इंडिया, तभी तो साथ में बढ़ेगा ना इंडिया। वो वैक्सीन वाली बात बताओ, खोलू तेरे चिट्ठे? नहीं सर, वो नहीं, प्लीज सर, प्लीज सर। दो हफ्ते पहले मैं वैक्सीन लगवाने गया था, तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी एक फोटो फेसबुक पे डाली थी। इन कुत्ती के बच्चों ने वो फोटो को लिया, मेरा फेस फोटोशॉप किया और हॉस्पिटल में एक आदमी के मुंह पे लगा दिया। और फिर फेसबुक पे मेरे नाम का फंडरेजर चला है, 1,00,000 रुपए जमा किए इन हरामियों ने मेरे नाम पे, 1,00,000। छी, डिसगस्टिंग। और पता नहीं किस मनहूस बच्चे ने मेरा नंबर लीक कर दिया और ये बात फैला दी कि सर ऑनलाइन लेक्चर में सुपर चैट लेते। सुपर चैट? उस दिन मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था, बीच लेक्चर में एक बच्चा 200 रुपया जीपे करके बोलते सर प्लीज टेक माई नेम, एक बच्चा 500 रुपया देके बोलते सर प्लीज से मिनाली मैम आई लव यू, एक बच्चे ने तो हद पार कर दी, 2,000 रुपए बेच के बोलते सर प्लीज कैंसिल द लेक्चर, मतलब मेरा लेक्चर कैंसिल करने का रेट 2,000 रुपए है। तो सर आप बताओ ना आपका रेट क्या, जो रेट बोलोगे उसमें मान जाएंगे हम लोग। कोरोना की भी वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया, तुम हरामियों का इलाज पता नहीं कब आएगा। हाँ तो क्या गलत कर रहे ये लोग, फंड रेस करके फीस के नाम पे तो लूट के बैठे हो उनको तुम लोग। चिल्ला रहा है, हाँ लूट रहा है सर, अभी आप ये बात क्यों ला रहे हो बीच में यार। अच्छा बेटा तेरा फीस का रिसिप्ट निकालू, सालो जिम खाने का 2,000, हराम करो ना जिम पे बेचते हो ना खाना खिलाते हो, हाँ मैगजीन का 2,000, तो एक खेलते हुए लड़के की मैगजीन तुमने भेजी इसको? कौन से खेलते लड़के की मैगजीन भाई? प्लेबॉय खेलता लड़का। अच्छा बेटा, मतलब तुमने मैगजीन का बिल भी हमारे नाम पे फाड़ा है? ए, इस मैगजीन में नंगे लड़के लड़कियां क्यों होती है? पापा ये हमारा सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, इसमें क्या ऐसे कपड़े काटने रहते और जो भी ये नंगे पिक्चर्स है ना उस पे क्राफ्ट पे ऐसे चिपकाने रहते, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। लॉजिक सही चिपकाया अपने बाप को। हाँ और सुन, ठीक है बस फीस, साले हॉल से संडास जाने का कौन सा बस लगता है बे? अरे सर वो बस फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि बस के ड्राइवर्स को फीस देते हैं हम लॉकडाउन में, वेजेस नहीं काट रहे। सुजा इच्छी टंग, साले बस का फीस भरता है और जिसके ऑटो में स्कूल ट्यूशन कॉलेज गए हैं उसको पैसे नहीं देता है, हाँ? पागल समझा मेरे को, हाँ? ये तेरा बाप नहीं है? कौन बाप? बाप को ये तो ढूंढने आया हूँ मैं, 4 दिन से घुमा रहा है मुझे, ये मेरे को बोलता है इधर आके बैठो अंकल के सामने 15 मिनट हाँ हाँ करना डबल पैसा दूंगा। दाढ़ी पे पाउडर वाउडर लगा के बिठाया है, घर पे मेरे पानी नहीं है, 4 दिन से नहाऊंगा किधर मैं? पैसा देता हूँ ना मैं, चुप कर ये बैटरी। ओह नो, तेरा चप्पल तो बहुत सुना है बिना मतलब, अपने बेटे के लिए तो सुना नहीं, मेरे बाप ने मेरे को सुना नहीं, जितना सुना है तेरी को, तुम मिल रस्ते में ऑटो से उठाऊंगा ऑटो से। और तू क्या, तेरा तो आज फर्नीचर उठा के जाएगा, तेरा टीवी उठा के जाएगा, बाद में आना मेरे घर पे टीवी लगाएगा अपने ऑटो में। अरे तू अभी जाएगा नहीं जाएगा, मैं टीवी लेके जाएगा। कट, ए भगवान कैसे कैसे बच्चे इस देश में, साला ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नकली बाप लाए। सर मेरे वो बाप को दौरे पड़ते रहते, पिछले जन्म में ऑटो वाला था तो कुछ बोलता रहता है सर। वाह बेटा वाह, अभी मैं तेरे को मौज कराता हूं, प्रिंसिपल सर को कॉल लगाता हूं। नहीं नहीं सर प्लीज, आई एम सॉरी सर, नहीं 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 नहीं, तेरे को दिखाता हूं मैं कितना हेवी ड्राइवर हूं। सुन बे टकले, सर ये आशीष चंदलानी आपको टकला कह रहा है सर? कैसे हरामी बच्चे बोलते सर, ऊपर भी विकमेंट थे नीचे भी विकमेंट थे। आई एम सॉरी सर प्लीज सर, नहीं सर ये पेरेंट टीचर मीटिंग में नकली बाप लेके आए। अरे नहीं सर, इसके 2 बाप नहीं एक ही बाप है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग में पागल बना रहे हमको। सर सर क्या कर रहे हो सर? सोने कसला था हम लफड़े वाले की। ओ माय गॉड।
गॉड, देखा आप लोगों ने, आशीष एक ऐसा पर्सन है ना, जो हमें कभी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता, ऐसा लगता है. उसके सारे वीडियोस इतने ज्यादा फनी होते हैं, आई लव देम ऑल, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं. एंड ऑल्सो जो कुणाल है उसके साथ जो रहता है, कुणाल एंड जादू, मुझे वो दोनों भी बहुत अच्छे लगते हैं. उनको जो भी रोल मिलता है इतना अच्छे से वो प्ले करते हैं ना, लाइक आई कांट टेल यू, इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग वीडियो. और इसी महीने में उसने दो वीडियोज पोस्ट किए विच इज लाइक वेरी अमेजिंग, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उस टाइप के जैसे वो आशीष बनाता है. सो इट्स लाइक इट्स सुपर्ब. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक द रिएक्शन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कौन सा डायलॉग वॉज योर फेवरेट. And I'll see you guys next time. Till then, take care. Mwah. See ya. I love you guys.